असा लोग आवाम की खिदमत करन जानते हैं, आवाम के दर्द को समझते हैं। साडे बुजुर्गवार इवें करन दे आए हैं, नवाब सलाउद्दीन नवासी साहब इवें करन दे आए हैं, मेरे वाले साहब इवें करन दे आए हैं, हुण भी करन दे पए। अल्लाह ताला जन्नत जहां देवे सरदार अब्दुल्ला खान डेर साहब को वो करन दे आए, उन्होंने कह दी है आवाम की खिदमत। मेरे वाले साहब सरदार अब्दुल्ला खान डेर साहब एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं, कदे भी वही साहबान ने एक दूजे के नाल बदतमीजी नहीं की, शराफत की सियासत नहीं की। ये वही ने जब सरदार साहब आते हैं उन्होंने करप्ट लोग साढ़े दोस्तों के उत्ते कदे कोई सुन ना करेगा, बाबा साहब बढ़ते हैं उन्होंने करप्ट उत्ते कोई सुन ना दिता, बोले लोग शरीफ शरीफ सरफरार सियासत करे ने हर हर जागीर वारुण साहब तही महफिल मौजूद
जितने नौजवान बुजुर्ग बाल जितने कबीले मौजूद हैं, जितनी बरादरियां मौजूद हैं, सारे खास सरदार साहब मेको यकीन है ये जलसा देखते सरदार अब्दुल्ला खान साहब दी कबर जरूर ठंडी पई है। जितनी इज्जत सरदार साहब की आई है तुसा संभाली है, चंगी तरह संभाली है। मेरे बुजुर्गों भरावो सपोर्टर्स इलेक्शन करीब आ गए, चार दिन रह गए, सारा दे किरदार तुसा दिखी बैठे। मेरे वालिद साहब नवाब सलाउद्दीन अब्बासी साहब ते सरदार अब्दुल्ला खान साहब इतना इलेक्शन जोड़ी से लड़ते हैं, वो चार दफा इकट्ठे लड़े, वो वेले उन्हें को इतना को दबा दे बात है मिलती पई है, वो दबा दे इतना काम करे दया ते दबा दे बल जीते। एक मैं गल करे सा तुहाडे नाल, जब मैं सियासत शुरू की 2018 बाबा साहब ने मेरे पूछा ही क्या दसा ये हल्का लगते कोटे वाला तुहाडे बीपी नाल नैशनल असैम्बली की सीट नाल आके कहना, वो बड़े अफसुरदा सी, मैं कोई गाल करी समझ कहना आई। त्रै महीने पहले जरा वल हल्का तब्दील थे ते इलाका नाल रल आए, सही को बहुत ज्यादा खुश है, जरा लोगों ने गोला में शुरू थी गए ते लोगों की मोहब्बत में को नजर आती पई है, था मैं को समझ आ गई है कि जिन्हें डेरा नवाब को हाँ रंगे पैसे नीको भी मेरा ही मेरा था। जनरल सरदार साहब ते नवाब साहब लड़ते इकट्ठे वो मेरे शराफत की सियासत होती है, बजाय बेशक तुहाडे कोई मुखालफी होवे हर कोई खानदानी है ते हर कोई खानदानी हदूद विच रहा है, तरीके नाल मुखालफी दे परचे कहना करेंदे ने, मुखालफी दे वादा स्कूल लेंदे ने। मैं हर कई को होने आखे दा मुखालफी जो परचे करने की कोशिश करे दे पे डरावत की कोशिश करे दे पे सुन करो मेरी बात, ईसा दे की नगरी है तुम्हारी बर्दाश्त कहना चाहते हो बेटा सरदार दे नवाबा दे वाला दे खड़े खड़े असा अपने लोगों की मुहाफिज कर के छू 300 साल नवाब साहब ने अपने लोगों की हिफाजत की है असा अगू भी कर के छू। मेरे मुखालफीन जो तुम्हारे सामने डू भेरा उन्होंने किरदार का तो पता है, मैं कई के खिलाफ मेरी आदत है मैं गल ही नहीं करी। मैं मुख्तसर नहीं तुम गल कर नवाब सलाउद्दीन अब्बासी साहब ने इन्हू फिरावा एक एक करते तरस खा से सियासत सिखाई है तेरा को कामयाब करवाया है। 24 साल तो ये लोग इतना पावर च रहे नवाब साहब को इलाके सियासत छोड़े हुए डायरेक्टली और 24 साल भी चल क्या वजह है कि नवाब साहब नवाब सलाउद्दीन अब्बासी साहब का बाल 18 साल बाद इलेक्शन लड़न वास्ते आए ते इतनी उनको मोहब्बत मिली, क्या वजह है कि नवाब सलाउद्दीन अब्बासी साहब के बाद हल्का बहुत तब्दील थी गई कि 2024 चाहे ते हुकरों भी ज्यादा मोहब्बत मिलती पड़ी है। ये असा की खानदान की इज्जत है, ये मेरे बुजुर्गों का रवैया तो सब लोग
मोहब्बत का रिश्ता है जो ताते थ्रेट करे सी असा सारा भरिया पूछी जो डूब फेरा अपने मौसे नवाब सलाउद्दीन अब्बासी साहब ने बेटे के सामने आ गए जनरल इलेक्शन लड़ने वास्ते 2018 उन्हें को वोट मिलना चाहिए या कह नहीं कह नहीं कह नहीं और हिम्मत करो नवाब सलाउद्दीन अब्बासी की इज्जत तुम्हारे हाथ में है नवाब साहब की इज्जत रखो अपनी रियासत की इज्जत जिमें इन्हों ने 2018 सारे अमृतपुर के करीब धांधला किया मेरे नो वेले पंजी दिहाड़े का इलेक्शन है मोहब्बत ढेर मिली ही मगर इन्होंने फायदा ज्यादा नहीं कर टाइम क्या रहा असा को अपने पोलिंग वगैरह सही तरह तैयार कर मैं मुखालफीन को एक पैगाम दे जनाब ही हिम्मत करो मेहरबानी करो मैं तो मेरा फिरा द्वारे वास्ते सारे वास्ते खिदमत वास्ते हाजिर असा को कबूल करो असा को जितवाओ क्या सारी खिदमत करो हुसैन अब्बासी साहब का तुसा डे के देखा बड़ा जी मैं अहमदपुर शहर को रहेंगे नवाब सलाउद्दीन अब्बासी साहब के बाद अगर कहीं ने 18 साल बाद काम करते हुए मैंने कितने मैं को तो मेरे भरा को मेहरबानी करते जितवाओ इतना ज्यादा दौर करोगे सोचे ना क्या करने वास्ते मेहरबानी करो अगले 5 साल असा तुम्हारी खिदमत करे सुका